राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं छठे चरण एवं सातवें चरण बिहार शिक्षक बहाली के बारे में, बिहार टीटी, बिहार एसटीटी के बारे में। बिहार टीटी, बिहार एसटीटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर, आज का हेडलाइन देख लीजिए। सबसे पहले शिक्षा मंत्री जी की बयान, उसको आगे देख लीजिए छठे चरण के लिए शीघ्र नियुक्ति पत्र मांग, तो इस पर भी बात करने वाले हैं। सातवें चरण विज्ञापन जारी कब हो सकता है, इस पर भी बात करने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है, खुशखबरी कही जा सकती है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। सीटें बढ़ेंगी क्या, इसको भी देखने वाले हैं। प्रमाण पत्र निर्गत, इसको भी देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं शिक्षा मंत्री जी के बयान को। तो शिक्षा मंत्री जी के अनुसार बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो पंचायत चुनाव के कारण जो बात करें कि बहाली प्रक्रिया छठे चरण की है उसमें देरी हुई है, और आप लोग भी जानते हैं कि पंचायत चुनाव के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक साथ बात करें नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, जो कि अपर मुख्य सचिव जी भी कहे हुए हैं। तो ये सभी बातें हैं। अब आगे देख लीजिए, नए साल से पहले चाहते हैं शिक्षा मंत्री जी कि नियुक्ति पत्र सभी को मिल जाए, जितने भी चयनित हुए हैं, जो बात करें कि 38,000 अभ्यर्थी हों, और उसके बाद जो बचे हुए हैं तो उसकी भी काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द हो। ये सभी बातें निकल कर सामने आ रही है। अब आगे देख लेते हैं, इजाज़त भी मांगे थे, यह भी कहना है। अब आगे देख लेते हैं, तो यही बात है कि पंचायत चुनाव के कारण ही देरी हुई है, उनका कहना है, यही बातें हैं। अब आगे देख लेते हैं, किसी के बहकावे में न आवे, ये भी कहना है शिक्षा मंत्री जी का। अब आगे देख लेते हैं, किसी का एक एजेंडा होता है, तो ये सभी बातें निकल कर सामने आ रही है शिक्षा मंत्री जी की ओर से। वास्तविक अभ्यर्थी नहीं शामिल होते हैं, तो ये भी बातें निकल कर सामने आ रही है। तो आप लोग यह भी समझ सकते हैं कि किसी टीम हो या फिर कमेटी हो या फिर कोई ग्रुप हो, तो वे लोग का तो प्रोफेशन होता ही है, और उन लोगों का भी ग्रुप या टीम कमेटी ये सभी नाम करें, तो ये सभी हैं, तो ये सभी बातें हैं। आप लोग भी समझ सकते हैं, प्रोफेशन भी होता है बहुत सारे का, तो ये सभी पर ज़्यादा बात नहीं करना है। जैसे कि बिहार एसटीटी की बात करें, उसमें देखा गया है जैसे परीक्षा रद्द के लिए, फिर बचाने के लिए, सिलेबस के लिए, उसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि आंदोलन भी होते रहता है, तो और आप लोग 200 रुपये की भी बात आप लोग सुनते रहते हैं, तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती रहती है। PIL हो या फिर मेरिट लिस्ट, नोट इन मेरिट लिस्ट याचिका हो, तो एजेंडे की बात हो रही है। तो जो बात हो, तो ये सभी सरकार जाने, शिक्षा विभाग जाने, या फिर अभ्यर्थी की बात करें तो थोड़ा बहुत सोच सकते हैं एजेंडे की बात, लेकिन ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता है ज़्यादा। लेकिन आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, जो बिहार शिक्षक बहाली की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे मामले लंबित थे, तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे मामले इस तरह से बिहार एसटीटी हो या फिर बिहार शिक्षक बहाली छठे चरण की हो, तो उसमें देखा गया है कि लंबित रहते हैं। तो आप लोग देख लीजिए 18 महीने का जो था, तो उसके लिए अलावा आप लोग देख लीजिए प्राथमिकता का मुद्दा, उसके अलावा ब्लाइंड फेडरेशन, CTT एक्ट, तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती रहती है, जिसके कारण आप लोग की बहाली प्रक्रिया देरी होती है। और दूसरा मकसद आप लोग समझ सकते हैं, जैसे रद्द हुआ परीक्षा, तो की बात करें कि बिहार SSC में भी एक बार परीक्षा रद्द होने के बाद 7 साल से भी अधिक समय की बर्बादी अभ्यर्थियों का हुआ था। उसी तरह से आप लोग यहां भी देख सकते हैं कि बिहार STT की बात करें तो इसमें भी आप लोग देख रहे हैं कि एक बार परीक्षा रद्द होने के बाद आप लोग देख लीजिए लगभग लगभग 2 साल होने को हैं, तो इतने समय की बर्बादी आप लोग को एक बार परीक्षा रद्द होने के बाद देखने को मिल जाती है। साथ साथ यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि लगातार याचिकाएं लंबित रहती ही है बिहार STT में, याचिका का दौर जारी है, यह भी कहा जा सकता है। जैसे कि बात करें कि रीट याचिका हो या फिर PIL हो, तो ये हमेशा बना रहता है बिहार STT की बात करें। उसी तरह से बिहार शिक्षक बहाली में भी देखा गया है, छठे चरण की बात करें तो उसमें भी बना रहता है। तो ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं कि प्रमुख याचिका आप लोग देख लीजिए यहाँ भी है परीक्षा रद्द करने का, उसके बाद आगे देख लीजिए बचाने के लिए, उसके बाद सिलेबस के लिए, उसके बाद गणित का मामला, उसके बाद आगे देख लीजिए 106 अभ्यर्थियों का मामला, उसके बाद आगे देख लीजिए जो कि अभी भी लंबित है मेरिट लिस्ट याचिका, रीट याचिका, उसके बाद नोट इन मेरिट लिस्ट रीट याचिका, उसके बाद आगे देख लीजिए PIL, तो ये सभी प्रमुख याचिकाएँ हैं। तो ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी परेशान रहते हैं इन याचिकाओं के कारण, और हमेशा से परेशान रहते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि इतनी याचिकाएं लंबित रहते हैं, तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि यह भी देख लीजिए आप लोग बिहार शिक्षक बहाली में भी अभी भी है CTT एक्ट, तो ये सभी हैं। तो ऐसे में इंटरवेंट के नाम पर हो या फिर बात करें रीट याचिका के नाम पर हो, तो आप लोग खुद भी समझ सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं 200 रुपये, तो ये सभी बातें हैं। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ भी 10,000 यदि अभ्यर्थी हैं, उसको यदि 1,000 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप लोग देख लीजिए कितने हो सकते हैं
तो इतने तो अनुमान लगाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है, जो हो जितने होते हों, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। आप आगे देख लीजिए, ऐसे में टीम, कमिटी, ये सभी भी अपना नाम करते हैं, प्रोफेशन है इन लोगों का भी, तो यह कहा जा सकता है। इसकी तो पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन कहा जा सकता है। और ऐसे में आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि जो परीक्षा रद्द होता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बात करें तो आप लोग यह भी मान कर चल सकते हैं, माना जा सकता है, लेकिन इसकी भी कोई पुष्टि नहीं होती है कि हाँ सरकार की भी बचत होती ही है। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि जो एक बार बताए हुए थे कि इतनी राशि की बचत के लिए एक वीडियो भी है, तो सरकार को होती होगी बचत जब परीक्षा ही रद्द होता है। तो ऐसे में तो शिक्षक अभ्यर्थियों का जो बहाली प्रक्रिया ऐसे में कुछ न कुछ समय के लिए रुक ही जाता है, तो ऐसे में बचत होती होगी, माना जा सकता है, लेकिन इसकी तो पुष्टि तो होती नहीं है, लेकिन आप लोग मान कर चल सकते हैं। अब आगे देख लीजिए, यहाँ भी वास्तविक अभ्यर्थी नहीं शामिल होते हैं, तो ये कहा जा सकता है, लेकिन बात तो कुछ और भी होता है। इतने समय बीत चुके हैं, आप लोग खुद भी समझ सकते हैं कि 2 साल से भी अधिक समय बीत चुके हैं, छठे चरण की बात करें तो बहुत समय बीत चुके हैं और अभी तक बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, तो उचित समय पर तो होता ही है सभी काम। तो आप लोग मान कर चलें कि ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी में नए साल में आप लोग को नियुक्ति पत्र जो छठे चरण के अभ्यर्थी हों उसे देखने को मिल सकता है। उसको आगे देख लीजिए, बहाली प्रक्रिया शुरू। तो बहाली प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए भी शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि उनके अनुसार बात करें तो उनके प्रयास से, सरकार के प्रयास से शुरू हो पाया, शिक्षा विभाग के प्रयास से। तो इतने याचिका जो बता दिए हैं, तो ये सभी याचिका का भी मामला होगा। तो ये सभी बातें हैं, तो आप लोग खुद भी समझ सकते हैं कि बहुत सारी याचिकाएं होते रहते हैं, तो इसके कारण भी देरी होती है। अब आगे देख लेते हैं, कुछ और भी बात कर लेते हैं इसमें। हाँ, सीट बढ़ाने के लिए आज जो ट्वीट का आयोजन था, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं सीट बढ़ाने के लिए था, और इसमें बात की गई थी जो कि आप लोग समझ सकते हैं सभी विषयों के जो भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं उसकी नौकरी पक्की हो, साथ साथ आप लोग बात करें, तो इस पर भी आगे बात करने वाले हैं। खासकर बात करें 2 विषय की बात की गई, जो कि सोशल साइंस हैं या फिर कंप्यूटर साइंस की बात करें, तो इस पर भी आगे बात करने वाले हैं। उसको आगे देख लीजिए, प्रमाण पत्र निर्गत, हाँ जी काफ़ी समय बीत चुके हैं, प्रमाण पत्र निर्गत कर दिए जाने चाहिए। चरण विज्ञापन को लेकर भी साथ साथ बात करें कि सीटों को बढ़ाने को लेकर भी ट्वीट का आयोजन किया गया था, और शिक्षा मंत्री जी के अनुसार बात करें तो वे चाहते हैं कि नियुक्ति पत्र छठे चरण का जल्द मिल जाए, अर्थात नए साल से पहले ही मिल जाए। लेकिन बात करें तो नए साल में नियुक्ति पत्र आप लोग को देखने को मिल सकता है, छठे चरण की बात करें तो। और आगे बात कर लेते हैं सातवें चरण की, तो सातवें चरण बात करें तो जनवरी के अंतिम सप्ताह या फिर बात करें कि फरवरी का जो प्रथम या द्वितीय सप्ताह तक विज्ञापन जारी हो सकता है। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आई हैं। अब आगे देख लेते हैं, कंप्यूटर साइंस अभ्यर्थियों के लिए भी कुछ जानकारी मिली है जो कि अच्छी खबर कही जा सकती है कंप्यूटर साइंस अभ्यर्थियों के लिए भी, तो कुछ देख लेते हैं इसमें भी। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लीजिए, तो यहाँ देख लीजिए आप लोग, 5000 जो कि सरकारी स्कूल है, विद्यालय है, उसमें भी लैब की व्यवस्था स्थापित होगी। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आई है, और ऐसे में आप लोगों को ICT एक्ट के तहत होगा इसमें लैब, जिसमें कि बात करें कि 10 कंप्यूटर होंगे एक स्कूल में, और ये चरणबद्ध होगा, अर्थात पहले 2000 स्कूलों में ये व्यवस्था की जाएगी। तो इस तरह से आप लोग समझे कि आगे आने वाले समय में कंप्यूटर साइंस का महत्व काफ़ी बढ़ने वाला है, और आप लोगों को अधिक से अधिक पदों पर बहाली देखने को मिल सकती है। और यह बात करें कि ऐसे में कि विद्यालयों की संख्या काफ़ी अधिक है, तो ये मध्य विद्यालय में भी होना है, उसके बाद उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी और माध्यमिक विद्यालय में भी कंप्यूटर के जो लैब हैं इसकी व्यवस्था होनी है। तो ऐसे में आप लोग कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस का महत्व काफ़ी बढ़ने वाला है, और ये पैसे जो हैं अभी लौट जाते हैं जो कि व्यवस्था नहीं है इसके कारण। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, ऐसे में जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को भी फायदा होने वाला है, ऑनलाइन अप्लाई, रजिस्ट्रेशन, ये सब खुद से भी कर सकते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं, ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी कंप्यूटर साइंस का महत्व काफ़ी बढ़ने वाला है, तो आप लोग इसे देखते चलें। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस का महत्व क्लास 6 से ही बढ़ जाता है काफ़ी अधिक, तो आप लोग इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ सकते हैं। आप आगे देख लीजिए, यहाँ पर विषय चुनने की भी आज़ादी दी गई है, तो ऐसे में कंप्यूटर साइंस का महत्व बढ़ना स्वाभाविक है। और यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, क्लास 9 से ही विषय चुनने की आज़ादी है। अब आगे देख लेते हैं कुछ जानकारी, तो ऐसे में आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 8000 से भी अधिक कंप्यूटर साइंस
शिक्षक के पद आ सकते हैं ऐसे में? विद्यालयों की संख्या की तरह यदि बात करें सोचें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, विद्यालयों की संख्या भी आप लोग देख लीजिए। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि काफ़ी पदों पर भी बहाली देखने को मिल सकती है और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हो सकते हैं कंप्यूटर साइंस में भी, और या फिर बात करें कि सोशल साइंस विषय में भी हो सकते हैं। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पर भी क्लास 9 से 12 तक की ही पढ़ाई की बात हो तो ऐसे में भी 8000 से भी अधिक पद पर बहाली हो सकती है, और कंप्यूटर सहायक की भी बात है तो ऐसे में आप लोग खुद भी सोच सकते हैं। उसको आगे देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए और भी। तो सबसे पहला उद्देश्य है कि प्रमाण पत्र निर्गत के लिए भी जितने भी हो सभी क्वालिफाइड को एकजुट होना चाहिए, चाहे आप मेरिट लिस्ट में हो या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट में।